माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, और जब यह बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले ये आपके लंग्स पर अटैक करता है, आपके लंग्स के टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। लेटर स्टेजेस में, क्रॉनिक स्टेजेस में हो सकता है कि ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये लंग्स से निकलकर थ्रू दी ब्लड आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी जाकर इन्फेक्ट करे। अगर किसी को भी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो आप उसको देखेंगे, आप उसको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसको बहुत लंबे समय तक एक कंसिस्टेंट खांसी रह सकती है, हर टाइम उसको लिटिल बिट बुखार रहेगा, लो ग्रेड फीवर ऑलमोस्ट हर टाइम रहेगा, हो सकता है कि खांसते खांसते लिटिल बिट ब्लड भी उस खांसी के अंदर आ रहा हो। और सीवियर केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्लड जो है वो वॉमिट के थ्रू भी निकलता है, जिसको हेमेटेमेसिस कहते हैं, चेस्ट में पेन होना, सांस में दिक्कत आना। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक कंटेजियस डिजीज है हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करने वाली, कंटेजियस इन द सेंस एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये फैलती है। किस किस मींस के द्वारा ये फैलेगी? नंबर वन, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विद द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। नंबर टू, अगर कोई कफिंग कर रहा है, उसने मास्क नहीं पहना, तो जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो जाकर दूसरे की बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, उसके लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। शेकिंग हैंड्स, अपने सेम बर्तनों को शेयर करना, एक ही बेड पर सोना, एक ही पिलो, अगर आप एक पिलो पे सो रहे हैं नेक्स्ट उसी पिलो पे कोई और सो रहा है, इसके थ्रू भी ये फैलता है। इसके अलावा लाफिंग, यस, ये भी देखा गया है कि अगर आप दो इंसान आपस में बैठे हैं, एक हेल्दी है और एक को ट्यूबरक्लोसिस है, तो अगर अनहेल्दी या ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हंसता है या कुछ बोलता है, इवन टॉकिंग के थ्रू भी कुछ पार्टिकल्स दूसरे के अंदर जाने के लिटिल बिट चांसेस रहते हैं। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, कोई ओल्डर एडल्ट्स है, बहुत ओल्ड एज्ड में है, या आप कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया गया है, आप कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, आप एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन के थ्रू पता लगता है, स्पूटम कल्चर जो आप बलगम थ्रो करते हैं, स्पिट करते हैं, उसके थ्रू भी आप बैक्टीरियल कल्चर चेक कर सकते हैं इन द केस ऑफ पल्मोनरी टीबी। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, थोरेसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसके अंदर लंग्स के अंदर का जो फ्लूइड है उसको निकाला जाएगा और उसको चेक करा जाएगा कि इसके अंदर वो बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं या नहीं है।